हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। आर्मी के लिए जो टॉपिक वाइज वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो उन्हीं के अब ऑब्जेक्टिव टाइप देखते जाएंगे एक एक करके। और ये पार्ट फर्स्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ, तो इसमें ध्यान रखिएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्याएँ, और जो कि स्टार्टिंग होती है एक से, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, और शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो ये दोनों प्रश्न ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य का मतलब होता है कि जिसके केवल दो गुणनखंड हो, संख्या और एक, स्वयं संख्या और एक। तो ध्यान रखिएगा दो एक समभाज्य संख्या भी कहलाती है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी सम संख्या होती है दो। इसमें देखिएगा एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ये भी ध्यान रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, और इसे यह सम अभाज्य संख्या भी कहलाती है। इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या के। और सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे दो, सबसे छोटी सम संख्या दो। और सबसे छोटी यदि विषम संख्या पूछता तो यहाँ पर होता एक। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक से बीस तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर पहले देखिएगा एक से दस के बीच में यदि अभाज्य संख्याओं की संख्या देखें तो चार होती हैं, वो भी कौन कौन सी, दो तीन पाँच सात, ये चार अभाज्य संख्याएं। तो एक से दस के बीच और दस से बीस के बीच में संख्या चार अभाज्य होती हैं, तो कौन कौन सी हैं, ग्यारह तेरह सत्रह और उन्नीस, ये चार अभाज्य संख्या ये हो गई। तो टोटल अभाज्य संख्याएँ होंगी एक से बीस के बीच में आठ, इसका उत्तर होगा आठ। तो ये ऑप्शन नंबर डी है। प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपान टू, और जहाँ n का मान है पाँच, प्रथम पांच मतलब एक से लेकर के पांच तक की प्राकृत संख्याओं। तो अंतिम पद ले लेते हैं, n का मान पाँच होगा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो पाँच गुणे, अब पाँच धन एक करेंगे तो यहाँ छः हो जाएगा, बटे दो है तो इसको दो एक कम दो, दो त्याई छः, तो पाँच गुणे तीन करेंगे तो योग आ जाएगा पंद्रह। तो इस फार्मूले में रख के निकाल लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के 56% और 39% का अंतर 425 है, वह संख्या बताइए। तो यहाँ ध्यान रखिए 56% और माइनस करेंगे यदि इसी में माइनस 39%, और ये दोनों का अंतर है 425, तो यहाँ पर घटाने पर बचेगा 17%, 17% बराबर 425। तो यहीं से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 17 एक कम 17 कैंसिल आउट करेंगे, 17 दूनी 34, फिर यहाँ 8 85, 17 पन 85, 1% की वैल्यू हो जाएगी 25। और संख्या होती है हमेशा 100%, तो 100% की निकालना है तो 100 गुणे 25 करेंगे तो 2500 हो जाएगी संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में दिया हुआ है। इस तरह सॉल्व करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट देखिएगा, सातवां है, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग सदैव होता है तो धनात्मक होता है। ऋणात्मक संख्या का जब वर्ग करेंगे तो सदैव होगा धनात्मक। नेक्स्ट देखेंगे इसी का, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290 है, तो वो संख्याएं क्रमशः होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सही सॉल्व करेंगे, 9 का वर्ग 81 और प्लस 11 का वर्ग 121, और जोड़ने पर 290 नहीं हो रहा तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 11 और 13 है, तो देखिए 11 का वर्ग 121 होता है और 13 का वर्ग 169, इनको जोड़ दें यदि प्लस कर दें दोनों को, तो 9 एक 10 और 6 2 8 1 9 और 1 1 2 290 हो रहा, तो यही होगा बी नंबर ऑप्शन। तो अब इसको चेक ही नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 10 पूर्णांकों का योगफल, तो इसमें फार्मूला अभी एक से लेकर के 10 तक के पूर्णांकों का योग निकालने का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन अपान टू, जहाँ n की वैल्यू 10 दिया है, ये 10 होगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 गुणे और 10 धन एक करेंगे तो 11 हो जाएगा, बटे दो, दो एक कम दो, दो पंचे 10 कैंसिल आउट करेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या के वर्गमूल में यदि 5 जोड़ा जाए तो उत्तर 14 आता है, वह संख्या क्या है? तो देखिए उत्तर 5 जोड़ने पर किसी संख्या का वर्गमूल निकाले और 5 जोड़े तो 14 आए उत्तर, तो 14 में पहले 5 घटा लेते हैं, तो 14 में 5 घटाने पर 9, अब 9 किस संख्या का वर्गमूल है ये देख लेंगे, तो 81 का वर्गमूल 9 होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 9 में 5 जोड़ेंगे तब 14 आएगा, तो इसलिए 14 में पहले 5 घटा देंगे तो 9 आएगा। अब वर्गमूल किस संख्या का 9 होता है ये चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि दो संख्याओं का योगफल 111 तथा अंतर 25 हो तो संख्याएं बताओ। तो इसमें ऑप्शन से चेक कर लेंगे, योग क्या 111 हो और अंतर 25। तो सबसे पहले योगफल देख लेते हैं, 111 तो 7 2 9, यहाँ पर तो योग 111 होगा नहीं क्योंकि ये कैंसिल हो गया, इकाई में 9 आ रहा है। 8 3 11, यहाँ पर 1 और 6 4 10 11, योगफल तो 111 हो रहा है इस ऑप्शन में। अंतर 25 देख लेंगे तो 8 में 3 घटाएंगे 5 और 6 में 2 घटाएंगे 4, मतलब बी ऑप्शन सही है जिसमें दोनों शर्त फॉलो करे तो जिस ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के घन में 14 जोड़ा जाता है तो परिणाम 526 आता है, तो संख्या बताइए। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 526 तब आता है जब 14 जोड़ते हैं, तो पहले 14 घटा लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6 में 4 घटाने पर 2 और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, और ये आ गया 5। तो जिस संख्या का घन 512 होगा उसमें 14 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो यहाँ 8 का घन होता है 512, 8 का घन 512 होगा, फिर उसमें 14 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 526। तो पहले 526 में 14 माइनस करेंगे तो 512, इसी को चेक कर लेंगे कि किसका घन है, तो 8 का घन होता है 512, तो ये ऑप्शन से पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 2/3 6 में कितनी बार आता है। तो यहाँ सीधा सीधा 6 में 2/3 से भाग कर देंगे तो ये 3 जाएगा ऊपर, 6 के साथ गुणा हो जाएगा, बटे में ये 2 ही रहेगा, तो 2 1 कम 2 2 3 6, तो मतलब 3 3 9 बार, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताएं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 5 9 लिख लेंगे और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए 1 लिख के 4 0 अब घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 9 में 0 घटाएंगे 9, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9, 9 में 1 घटाएंगे 8, तो मतलब 89,999। और इसका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, 89,999, इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,69,387 में अंक 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर बताओ। तो ध्यान रखिएगा, अंक 9 का स्थानीय मान जब निकालेंगे, 9 का पहले स्थानीय मान, तो 9 के बगल में 3 अंक है तो 9 के बगल में 3 0 लिख देंगे तो 9 का स्थानीय मान हो गया, और वास्तविक मान वो संख्या स्वयं होती है तो ये वास्तविक मान, अब इनमें अंतर निकालना है तो हासिल लेंगे तो 10 में 9 घटाएंगे 1, यहाँ पर वैल्यू 9 बचेगी, यहाँ 9 और यहाँ 8, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 8,991, और ये ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। नेक्स्ट है, 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 21 तक में 11 विषम संख्याएं होंगी, अब विषम संख्याएं निकालना है टोटल कितनी होगी यन की वैल्यू, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अब बटे विषम संख्याओं में 2 2 का अंतर होता है, अब प्लस 1, ये निकालने का तरीका है 1 से 21 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, तो अंतर 2 2 का है इसलिए 2 नीचे लिखेंगे, अब 21 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 20/2 + 1, तो 2 1 कम 2 2 20, तो 10 1 11 11 विषम संख्याएं। अब इनका योग का फार्मूला एक होता है, योग के लिए सीधे यन स्क्वायर कर देते हैं, कुल यन विषम संख्याएं हैं तो उनका योग निकालना, तो यन स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 से 30 तक के सभी पूर्णांकों का योग। तो यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक है, मतलब यन की वैल्यू अंतिम पद होगा 30, और इसका योग होता है ये 1 से लेकर लगातार यदि दिया 30 तक, तो n×n+1/2। अब यन की वैल्यू 30 रखेंगे तो 30×, अब 30 × 1 करेंगे तो वैल्यू 31 होगी, बटे 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15×2 30, अब गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा 15 × 1 = 5 45 1 45 1 46 465 होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का अंतर 6 है, तो पहले देख लेंगे कि किसमें अंतर 6 है, तो इसमें भी अंतर 6 है, यहाँ भी अंतर 6 है, इसमें अंतर 4 है, यहाँ अंतर 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो आगे देख लेंगे, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो देखिएगा इकाई दहाई, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो यही इसका उत्तर होगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन, इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं, दोनों शर्तें फॉलो करेगा जो ऑप्शन वही उत्तर होगा। एक संख्या में अंकों का अंतर 2 है, तो यहाँ पर देख लेंगे, पहले ऑप्शन में चेक करेंगे, इसको भी ऑप्शन से हल करना है, 2 है अंकों का अंतर, देखिए 4 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 है, तो 2 का अंतर है, यहाँ भी 6 8 है 2 का अंतर है, 3 1 2 का अंतर, तो पहली शर्त तो फॉलो कर रहा है सभी चारों ऑप्शन। अब यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो फर्स्ट में यदि 18 जोड़ें तो 42 का 24 होना चाहिए, तो ये गलत है, फर्स्ट तो ऑप्शन नहीं होगा, 86 में 18 जोड़ते हैं
तो यहाँ भी जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए 68, तो ये भी अधिक मान आएगा। फिर यहाँ देखिए 68 में 18 जोड़ लेते हैं, तो 8 8 16, 6 1 7 1 8, 86। देखिए अंकों का स्थान ये बदल गया, 8 आ गया इसकी जगह और 6 आ गया इस जगह। देखिए ये प्लेस चेंज हो जाते हैं, 8 और 6 आपस में, 86। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, 68 इसका सही उत्तर होगा। इन प्रश्नों को हल करने के पहले आप आर्मी के लिए प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज वीडियो अवेलेबल हैं आर्मी जीडी के लिए स्पेशल, तो पहले उन वीडियो को देख लें, इसके बाद इनको आप ऑब्जेक्टिव टाइप वाले सभी पार्ट एक एक करके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो इसको फिर इसके उपरांत देखें, और आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।